अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं बढ़िया हूँ। और जैसे कि आज है चांद रात, एंड तो मैंने सोचा चलो आज कुछ तो काम कर लेते हैं। जैसे कि मुझे अब कुछ काम नहीं, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स हो गए हैं और हॉलीडेज चल रहे हैं। अब हॉलीडेज में क्या काम रहता है भाई, बोलो। मैंने मेहंदी भी लगा ली है, कैसी लग रही है। मैं छोटा ही लगाती हूँ बिकॉज मुझे लॉन्ग या अभी इसके कैप्स लगाना बाकी है, बट ठीक है, अच्छी डार्क चल रही ना, देखेंगे अब क्या क्या होता है। मैंने न्यू ड्रेस भी लिया है ईद के लिए, एंड आज मैं थोड़ा मेरे जो छोटू मोटू है मेरे कैट्स का उन्हें पानी खिलाने का, बिकॉज कल ईद है तो थोड़ा उन्हें भी फ्रेश करना है। और मेरे सिम्बा बोलकर एक जो बिल्ली है मेरे, उसके लिए मैंने ड्रेस लिया। इतना क्यूट लग रहा है माशाल्लाह, उसमें हाई बोल रहा हूँ उसको देख के। तो चलो पहले जाकर पानी खिलाते हैं, और बहुत बड़ा टास्क रहता है लेकिन बिल्लियों को पानी खिलाना। देखते हैं मेरे बिल्लियाँ शरीफ है या सब बिल्लियों की तरह है। लेट्स गो। सो नाउ सिम्बा के बाथिंग टाइम है। सिम्बा कम है बोलो, सब अच्छा है क्या तुम लोग? आज तो कोई बिल्ली आई था? हाँ सिम्बा, जब बेइज्जती है मेरा शेर कौन? कोशिश करी सिम्बा, बाहर भाग के गया यार, ऐसा करके अंदर लाना था शायद। में भी आ गए सिम्बू राजा, थोड़ी देर के लिए डरे, नाटक कर रहे, मेरे को डर लगा ना। तो भाग के जाने का क्या था उसको, पूरा साफ भी नहीं हुआ प्रॉपरली। अंदर छोड़ो, वेट वाइट सेटिंग कर तुम ऐसे, क्योंकि नहाने वाली बिल्ली ने एक ब्लैंकेट डालो ना तो खुश हो रहा। और ये मैंने देखा है कि एक मंथ में तो एक बार नहलाना चाहिए, और खासकर समर सीजन में कैट्स को बहुत ज़्यादा नहलाना चाहिए, बिकॉज उनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती रहती है, हीट प्रोड्यूस होती है कैट्स वाई। और रीजंस व्हाई मैं कैट्स आउट से तो आप लोग बोलेंगे घर में नहीं रखते क्या कैट्स को, लाइक थोड़ा सबको मालूम है कैट्स के बालों से मे भी अस्थमा की बीमारी हो। हम लोग इसे यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे नहीं अंदर भी आते रहता है, क्योंकि इसका एक क्यूट घर है। ठीक है, ये क्यूट घर है जिसमें हम बैठ के मुँह दौरान बेचारा भाई, इसलिए छोड़ दी मैंने, तो पूरा नहला के रहने वाली थी मैं। सो जब से के देख लिया सिम्बा के पीछे भाग भाग कर मैं थक गई हूँ, और अब फिर वक्त हो रहे हैं 5:35, जब अब थोड़ी देर में इफ्तार का टाइम होने वाला है, एंड थोड़ा लेजीनेस फील हो रहा है, बट कोई नहीं, चांद भी दिखने वाला है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। और कैप कंप्लीट करना वो लगा लिया मैंने, ठीक है थोड़ी देर वेट करते हैं और इफ्तार करते हैं, और चांद देखने हमारे छत पर जा रहे हैं। अब इफ्तार भी हो चुकी है, एंड मैंने नमाज भी पढ़ ली, अब थोड़ी देर से चलते हैं छत पर और देखते हैं चांद नजर आएगा। वैसे काफी से मेरे पास सेम चार्ज काफी कैट्स वाई ये पहन रही हूँ मैं, चलो चल के। वैसे तो पीछे से मेरे क्यूटीज भी आ रहे हैं, और यहाँ पे मेरे बिल्लियाँ मेरे साथ आते हुए, यस गुड किड्स। एक एक किड अच्छा है, इसको मेरे से चली जाने का है यार, किधर वाइटी वाइटी वाइटी। सो जैसे मैं छत पे आ गई, मैं और वाइटी चांद दिख गया, देखना है आपको भी, वेट हाँ इधर चांद है, आपको जूम करके दिखा दूंगी मैं। सो भाई ईद मुबारक बोलो। हाँ गुड, सो मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से आप सभी को ईद मुबारक। हम सेवपुरी से कर रहे हैं, आपको पूरे 30 days मैंने सेवपुरी नहीं खाई यार, समझ जाओ। तो गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ, कैसी लग रही हूँ कमेंट में बताना जरूर से माशाल्लाह। अब थोड़ी देर में गेस्ट आने वाले हैं, किसान ने सूट लिया था मैंने ब्लैक कलर का, तो लेट्स सी सब लोग से मिलने जब जाएंगे, जब ब्लॉगिंग करेंगे इंशाल्लाह, देखते हैं चलो। तो जी मैं हो गई ये, तो मैं मेरे आंट के घर हूँ, जैसे कि सुबह से व्लॉग कंटिन्यू कर करके। सो टैक्सिस फॉग टू गेट्स व्लॉग, आज के पूरे व्लॉग में सिर्फ लाइक जा चुकी है, तो थोड़ा संभाल लेना है, व्लॉग थोड़ा भी इंटरेस्टिंग होगा। सिम्बा की मस्ती देखी होगी आप लोग ने, मेरे भी सिम्बा ने बहुत सताया आज मुझे, तो ठीक है ईद भी हो गई है, एंड थोड़ा लाइक सिर्फ लाइक गई हुई है इसलिए मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, बट लाइक भी जल्दी लाइक करो अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो। ठीक है फिर अल्लाह हाफिज़।